किसी ने नोटिस नहीं कुछ नहीं दिता। हाँ मेरे को अजय गुरदौर है साढ़ा इतने अपने ढोक जगीर के मेरे को आया कहता सरदार जी तुम कम ला रहे हो। मैं ला रहा कम जी चोर साला इधर यह है कि हम थोड़े से अधूरे रह गए। 20,000 रुपया नहीं दिया उसके बाद उन्होंने जे हमें अंजाम दिया। 80 ले चुके हैं लिए गए। पहली बार देख रहे हैं कि इतना क्विक एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से आ रहा है। सर वार्निंग क्या देना चाहोगे उन लोगों को जो इस तरह की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं? देखिए वार्निंग तो स्पष्ट है, जो स्टेट लैंड है वो स्टेट की है। एक तरफ जिस तरह से जिस तरह डिमोलिश करके प्रशासन जब जाता है हाथा पाई पे आते हैं डिपार्टमेंट वाले, उनके घर में बैठते हैं, आप के चले जाते हैं, बोला ठीक है आप बनाओ और चलता रहेगा काम। वैसे जो मेरे अभी देखा हुआ काम मैं नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सेट समाचार के साथ इस वह जहां पे आज प्रशासन द्वारा यहां पे पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। ये कस्टोडियन लैंड है, यहां पे कुछ लोगों ने इंक्रोच कर रखी हुई थी और इस कस्टोडियन लैंड पर डिमोलिश किया जा रहा है इस टाइम। हमारे साथ यहां पे एजिम सर जो है वो मौके पे हैं, मौजूद हैं। सीधा उन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरह का कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। और सर जी, आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट की गई थी उस पर पीला पंजा चलाया गया, ये किन लोगों की जगह थी, क्या खसरा नंबर है? ये मैडम किसी लोगों की जगह नहीं है, ये कस्टोडियन लैंड है, ये सरकार की जमीन होती है। कस्टोडियन लैंड जब तक किसी को लॉट नहीं होती तब तक वो किसी विदाउट परमिशन कोई कार्य नहीं कर सकता। ये बिल्कुल टोटल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की जा रही थी और जैसे ही सुबह हमें पता चला फिर स्टाफ से हमने ये वेरीफाई करवाया, तहसीलदार साहब ने भी अपनी इनपुट लिए जिससे पता चला कि ये टोटली इंक्रोचमेंट कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी कुछ तत्वों द्वारा और आज हमने पूरी मशीनरी का साथ यहाँ पर आए हैं और कब्जा हटा लिया जा रहा है और साथ में FIR भी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कर दी है कि गैर कानूनी तरीके से ये जगह को खड़पने की कोशिश कर रहे थे। जी सर, पहले भी इसी तरह के मुद्दे जो है सामने नजर आए, जो गैर मुमकिन खड्डे हैं, जो कस्टोडियन लैंड है घाच रही है, सर उन पे भी कब्जे काफी किए गए लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन चीजों को यूं का तूं ही रखा गया, उस पे कोई एक्शन वगैरह नहीं इतने लिए गए। पहली बार देख रहे हैं कि इतना क्विक एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से आ रहा है। सर वार्निंग क्या देना चाहोगे उन लोगों को जो इस तरह की इंक्रोचमेंट कर रहे हैं? देखिए वार्निंग तो स्पष्ट है, जो स्टेट लैंड है वो स्टेट की है। जो आपने देखा भी रोशनी लैंड अलाट हुई थी वो रोशनी एक्ट खत्म हो गया, उसकी भी कटोरी कैंसिल कर दी, इवन के इंतकाल कैंसिल कर दिए गए हैं। कस्टोडियन लैंड जो है ये टोटल सरकार की लैंड है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जाएगी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा है ये सख्त वार्निंग जो है उन लोगों के लिए है जो ये सरकारी लैंड जो है घास चराई लैंड है जो उन पे इंक्रोच करते आए हैं, इंक्रोच कर भी रहे हैं। ये इंक्रोचमेंट की गई है कैंक जगीर सोल की है, इससे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है और डिमोलिश की जा रही है। ये लाइव विजुअल जो है ये कैंक जगीर सोल के है इस वक्त सामने है। थोड़ी जैसे जे मेरी जगह थी ऐसी ही जगह एक बल के बाग में जगह है, अभी उधर कम से कम 4-5 दुकानों का काम लगा हुआ है
अभी वो दुकानें कंप्लीट भी होने वाली हैं, सब कुछ हो गया, दीवारें बन गई है, लैंडर पड़ने वाला है, जय ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट उधर दो चार बार के चल गया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वैसे ही ये नड में कुछ जगह है, वैसे ही यही जगह वही है, उधर भी कुछ यानी के आते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, उनके घर में बैठते हैं, आप भी के चले जाते हैं, बोला ठीक है आप बनाओ और चलता रहेगा काम। वैसे जो मेरे अभी देखा हुआ काम, मैं कल देख रहा था काम, बल्का बाद में जो दुकानों का काम चल रहा है, उधर काम चल रहा है दुकानों का, यही स्टेट लैंड वो है, और इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी तक उधर कुछ नहीं किया क्योंकि पैसे खाली हैं। इधर यह कि हम थोड़े से अधूरे रह गए, 20,000 रुपया नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने ये हमें अंजाम दिया, 80 ले चुके हैं। एक तरफ प्रशासन आके अपना पीला पंजा चलाता है, लेकिन अपोजिशन में कौन है, कौन लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, इस जमीन जेड़ी है कस्टोडियन लैंड ही, क्या तुहानू नोटिस दिता है ने डिमोलिश करने से पहले? बिल्कुल जी, बिल्कुल नोटिस नहीं दिता सानू, अज सानू मैनू अज 10 दिन हो गए काम करते थे, किसी ने नोटिस नहीं कुछ नहीं दिता। हाँ, मेरे को अजय गुरद्वारा साढ़ा इतने अपने ढोक जगीर के बिच, वह मेरे को आया, कहिंदा सरदार जी तुसी काम ला रहे हो? मैं ला रहा काम जी। कहिंदा तुहानू थोड़ा मैनू मिलना पैना। तो मैं कदू मिलिए? कहना मेरे दफ्तर आ जाओ जा मेरे घर आ जाओ, सुंगल मोड़ इतने मेरा घर है, मेरे को आ जाओ, मैं ठीक आ जाऊँगा। मैं एक दिन को गया तो मैं कहते सरदार जी तुम कम करा भावें 10 दिन कम लाओ, मगर तुम्हें 1,00,000 रुपया इतने देना पैना। मैं पूछा नहीं 1,00,000 किस चीज़ का देना पैना? कहना इस चीज़ का जगह कचौड़ियाँ लेना है, तो जो मेरे को पैसा आ गया तो कोई पुछेगा नहीं, तुम्हें कोई पुछ मंगनी होगी, कोई डिपार्टमेंट का बंदा मेरे को नहीं आएगा, तुम अपनी मर्जी पिछा 3 महीने कम लाओ या 2 महीने कम लाओ, तो कोई नहीं पुछेगा। मेरे ना गुरदौरियाँ 2009 तू मेरे ना गुरदवारियाँ चल, हाँ गुरदौरियाँ चल रही हैं 2009 तू मेरे ना जी। हाँ जी, तो तुसे उसे पूछा नहीं कि तुम्हें किस किस चीज़ का पैसा देना, अगर गुरदौरियाँ तुम्हारे ना ने तो किस चीज़ का पैसा देना, डिपार्टमेंट किस चीज़ का पैसा देना? बोला आखे ये स्टेट लैंड है जी, इन्हें चाहे बना नहीं देंगे, ये काम नहीं करने दे, मगर तुम अगर मैंने पैसा देंदे हो 1,00,000 रुपया तो कम थोड़ा हो जाएगा। तुम ले भी गया? सुनो, एक अस्सी ले भी गया, एक मिनट, तू पैसा लोगे तो कुछ नहीं होगा तू। मैं ठीक है, मैं गया एक दिन दूजे दिन शाम मैं साहब कम लाना सी, टाइम थोड़ा घट है तो गर्मी बड़ी है, करोना भी है, तो मैंने दसो की करना? तुम कुछ जाइए देते हैं उन्हें घर जाइए देते हैं पैसे, गुरद्वारा साहब के घर जाइए, घर जाइए पैसे देते। मैं 30,000 इन्हें दिता, 50,000 इन्हें तोला दिता, टोटल उसे 80,000 रुपया दिता। आखा सरदार जी जाओ, खसरा नंबर की है इस जगह का? खसरा नंबर जवानी नहीं, 557 तुम्हारे को कागज है? इसमें सब कुछ है, सब कुछ है कागज इसलिए तुम्हारे को नहीं, इतने मेरे ब्रदर को भेज, ब्रदर को भेज दे, ब्रदर को भेज दे। हां, तुसे सिर्फ गुरद्वारा साहब का निकाल कीती और डिपार्टमेंट तो कुछ आला अधिकारी का नहीं? नहीं, गुरद्वारा साहब कहंदे कुछ कोल जाने दी जरूरत के नहीं है, अगला मैं इस इलाके दा तहसीलदार मैं है, मैं गुरद्वारा नहीं समझो, तुसे कुछ कोल जाने दी जरूरत नहीं, सिर्फ साडा बड़ा तहसीलदार है वो पैसे खांदा है, पैसे तो पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक एक बच्चा पैसा मंगता है पटवारी को लेकर उपर तक, तो ये 80,000 देना उसी, तो 20 मिगी बचना है, जोड़ा तुम वो 20-2 नहीं देंगे तो फिर मेरा 11-12 बजे मेरा रंग देख लो की हों। पैसे कदू देते हैं? ये असी 4 दिन पहले पैसे देते, 50,000 घर, 30,000 रुपया अच्छ सवेरे दिता घर, इतने इतने आ गए, 50,000 उन्होंने वो घर दिता जाके, तो 30,000 रुपया अच्छ सवेरे दिता इतने महाभारत समुद्र किनारे मराए ना बंदे, तो मैं वो काम करना ही हूं, जे 20,000 नहीं तुम देंगे और 80 थोड़ा आया है तो मैं 20 और लेना, 20 मिगी बचना है, 80 जाना है सीधा तहसीलदार की, 20,000 नहीं देता ता उड बोल देता, हां 20,000 नहीं देता इस कारण टाई है। तो जेड़े ए उनके ऊपर एक सरकारी महकमे ऊपर तुसे एक एलिगेशन लगा दियो कि इन्हें पैसा खादा है। हां जी हां जी, अगर इहदा भुगतान तुहानू दिखी लो कि नहीं नहीं असि भुगतान करांगे जी, ऐसी गल नहीं, असि साडे बच्चे बीबी सब नाल बैठे दिन घर बैठे दिन घरों पैसे गिन के जिहड़े 50 उत्थे दित्ता है उत्थे असि 2 बंदे गए सी, जिहड़ा इत्थे दित्ता है इत्थे असि सारे सी, और वो 50 जिहड़ा 30,000 है वह देंदे देंदे सुगा उत्थे बेटी आई एक उन्हें मोबाइल सी मेरी जे विचों मोबाइल ले लिया, और उसले उठ के कहिंदा जी नट नटो तू गेट पर लेने पैसे इन्हां दे सामने कुसे दे पैसे लेने, फिर गेट पर दित्ता इहनू रुपया 30,000 और आया त्री पूरा है। हाँ जी त्री पूरा जी, मैं क्या गिनती कर सकते हो? कहता गिनती करने की जरूरत नहीं, उन डिमोलिश करके गए ना। हाँ जी, अगला थोड़ा की कदम होगी? हूँ कदम यह है कि ये असी अजय साहब दे बाकी सानू कोई वो नहीं है, जो कुछ है गुरद्वारा अजय साहब वो असी बरखिलाफ
कार्रवाई करांगे, क्योंकि उसने पैसे भी लेते हैं, वो सानू पैसे वापस करेगा और ये जड़ा साड़ा नुकसान होया और वो भरपाई करेगा। दोस्तों ये है कैंगजी की सोल का इलाका जहाँ पे मैं बता रही हूँ कस्टोडियन लैंड है, अभी प्रशासन आया था डिमोलिश करके गया है, लेकिन जिन लोगों की वहाँ पे गर्दोरियाँ हुई हैं उन लोगों से पैसे मांगे गए हैं। ये अजय गर्दोर पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने 1,00,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसे 80,000 रुपया ये अभी तक दे चुके थे, लेकिन इनको यही कहा गया क्योंकि आम आदमी को किस तरह से फंसाया जा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इनको ये कहा गया कि इस लैंड पे अगर आप पैसे देते हैं तो प्रशासन किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये लैंड मालकी आपकी ही लैंड होगी। अच्छा, दूसरा और मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज ये जहाँ पर जो बना है हमने चारदीवारी की थी थोड़ी सिर्फ पशुओं के चारे के लिए, उसके सामने में एक और है, वो चलो आज उन्होंने पैसे दिए उनकी बन गई है सामने, अधूरी है थोड़ी बहुत, उनसे भी उन्होंने मेरे साथ हो गए उनके, भाई ऐसे करो आपके सामने, मैं कहा मैं इधर नहीं रुकूंगा और वो बोलते नहीं इधर आओ आप, मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं इधर से चले गया हूँ, उनसे भी पैसे खाए हैं और भी बोलता है कि आप लोगों को मालूम है, ये अजय गर्दोर ने आपको मालूम है कि तहसीलदार जब पोस्टिंगों का आता है एक तहसील के अंदर और उसको कम से कम तहसीलदार को 30 करोड़ रुपया लेके जाना है वहां पर से, उसकी एक उनकी एक डिमांडमेंट होती है, वो बोलता है 30 करोड़ क्यों लेके जाना है, उसने बोला है मेरे को बोलता है, मैं बोला भाई ऐसे क्यों 30 करोड़ क्यों, वो नौकरी नहीं कर रहा, वो बोलता है आपको मालूम है जो गाड़ियां ट्रैफिक पकड़ती है उनको ऊपर से उद्देश्य होता है, बोलता है जहां पर मर्जी जाओ और हमको शाम को इतना पैसा चाहिए, हमारा तहसीलदार भी ऐसे बोलता है, शाम को मेरे को हर गर्दौर तहसीलदार जो लोकल हैं जहां जहां पर तहसीलें बनी हैं उनसे मेरे को इतना इतना पैसा कलेक्शन चाहिए, तो आप नौकरी नहीं तो कल को आपको उठा के कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा। संगीन इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं अजय गर्दोर पर। सर खसरा नंबर 577 जहां पे डिमोलिश किया गया कल, सर वहां पे कुछ लोगों ने एक एलिगेशन लगाया विभाग के ही किसी कर्मचारी पर जिनका नाम अजय गर्दोर करके, वो धड़ल्ले से ले रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। सर रातों रात तो कब्जा किया नहीं गया होगा, इस पे विभाग का ही कोई कर्मचारी भी शामिल हो सकता है, तो जिनका नाम लिया जा रहा है सर क्या उन पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए कल सुबह की बात है, कल सुबह हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये किसी ने वहाँ पर कब्जा करके रखा है जी। और इसमें अजय गर्दावर ने ही सुबह हमें रिपोर्ट दी कि वहाँ किसी ने कब्जा करके रखा है, फैसला नंबर आपने जो बताया 577 डोग जगीर में जी। और उसी के बेस पर हमने कंसर्न पटवारी और अजय गर्दावर को वहाँ पर मौके पर भेजा कि आप पता करिए वहाँ पर क्या चल रहा है। इन्होंने मौके पर वहाँ पर जो इनके इंस्ट्रूमेंट पड़े वो सीज़ कर लिए। सीज़ करने के बाद फिर इन्होंने मुझे 12:01 बजे बताया कि सर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुक गई है बट कब्जा हुआ है और उसने प्लिंथ काम करवाया है। फिर हमने इसको डायरेक्शन दी कि आप वहाँ पर JCB अरेंज करें और JCB इसी ने अरेंज करके दिया है वहाँ पर और इसी के इनिशिएटिव पर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। सर आगे भी काफ़ी एलिगेशन लगाए गए हैं इन पर अजय गर्दावर पर ही, और कहीं ना कहीं काफ़ी जगहों पे इसी तरह से कब्जे किए जा रहे हैं, अगर विभाग का ही कोई कर्मचारी अगर इस तरह से कार्य करेगा क्या उन पे जिस तरह से लोग एलिगेशन लगाते हैं उन पे कार्रवाई होगी? सर हमारा सवाल ये है। मैडम डेफिनेटली कार्रवाई होगी अगर हमें कोई लिखित में देगा रिटर्न में देगा कि ये इस कर्मचारी ने किसी से पैसे लिए हैं काम करवाने के लिए तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा हमारे नए चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिए हैं कि हर एक ऑफिस में जीरो टॉलरेंस का साइन बोर्ड लगेगा, वो हर एक ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया और सभी को हिदायत दी गई है पब्लिक के काम करें बिना किसी लालच के जी। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर रिटर्न में कोई कार्रवाई हमें कोई लिखित देता है हम उस पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे जी। जिस तरह सर ने बताया है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, अगर लिखित में कोई एप्लीकेशन दे तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी चाहे वो विभाग का ही कर्मचारी क्यों ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खजूरिया दैनिक स्टेट समाचार से।